जौनपुर के बदलापुर में आर्थिक तंगी से परेशान होकर तीन सगी बहनों ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। तीनों घर से सुसाइड का मन बनाकर बिना किसी को कुछ बताए निकली थी। ट्रेन ड्राइवर ने गेटमैन को बताया कि तीनों रेलवे ट्रैक के किनारे बैठी थी और अचानक ट्रेन के आगे आकर कूद गई। वहीं अहिरोली गांव के प्रधान ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, किसी तरह परिवार का गुजारा होता था, मजदूरी के पैसों से किसी तरह घर का खर्च चलता था, बच्चियां मजदूरी कर मां का भी भरण पोषण करती थी, परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को लेकर कब्जे में लेकर यहाँ जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रात में रेलवे मेमो प्राप्त होने पर रेलवे क्रॉसिंग फुत्तूपुर के पास बदलापुर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर देखा गया तो तीन महिलाओं का छत बिछत शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला, जिसे कब्जे में लेकर पीएम हेतु रवाना किया गया तथा अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। 10 बजे जो है कि तीन लड़कियां ट्रेन से कटी हैं। ट्रेन से कटने के बाद गेट ट्रेन वाला जो है ड्राइवर ने रोक के बताया कि ये दो तीन लड़कियाँ कट गए हैं, इसको जाकर सूचना दी थाने पर, जो या जहाँ जो थाना पड़ता होगा। जो यह बताया जा रहा है कि सिंगरा महाराजगंज से थाना के अंदर के तीन लड़कियाँ हैं। कौन सी ट्रेन से कटी कौन सी नहीं कटी जी मुझे नहीं मालूम। तो सब कोई ले गया थाना ले गया सिंगरा मोहन मतलब दोनों मिल के ले गए। 11 बजे के आसपास तीन लड़कियों की यहाँ पे दो खंबा आगे कट गई थी और 3257 ट्रेन थी शायद, तो तीनों बहनें बताई जा रही हैं। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस जौनपुर सिंगरा मोहन बदलापुर सभी पुलिस थाने को बताया गया तो यहाँ पे सभी लोग आए तो यहाँ से लाश लेकर गए, उसके बाद गाड़ी को संचालित